चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। भाई किसानों के लिए कुछ नहीं है, बताओ 15 साल हो लिए, 2500 रुपये भी नहीं बढ़ाया। आज लोग कई बिनु कह रहे 2500 रुपये बढ़ेंगे, भी पता नहीं बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। अरे कम से कम 500 रुपये क्विंटल होना चाहिए गन्ना जब चलेगी भाई काम। बिजली का इतना भ्रष्टाचार, बिजली में इतना होगा, इतना उत्तर प्रदेश में इससे ज़्यादा कहीं भ्रष्टाचार नहीं जितना बिजली में भ्रष्टाचार यहाँ है। वो इन आवारा पशुओं का है, आए दिन दुर्घटना हो इनसे, रोड पर बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे, जो जवान जवान लड़के हैं जो भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं वे सब एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। सीसे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के बागपत लोकसभा सीट पर है और बागपत लोकसभा सीट का ये बड़ल गांव है जहां पर हम यहां लोगों के बीच है, गांव के लोगों से बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लोगों की राय है, क्या लोगों का मन है, इस बार जनता किस प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री के रूप में किन को देखना चाहती है। तो क्या नाम है? जगपाल सिंह। क्या लग रहा है जी, लोकसभा चुनाव है, लगातार चर्चाएँ चल रही है गांव गांव शहर शहर प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर, क्या लगता है इस बार कितना, इस बार प्रधानमंत्री जो मोदी जी है उनको कितना समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो माननीय सांसद जी हैं डॉक्टर सतपाल सिंह, वो चोगामा क्षेत्र की उनको आवश्यकता नहीं है, ना इधर से वोट की आवश्यकता है, और वो तो अपना क्षेत्र केवल बड़ौत ब्लॉक और छपरौली ब्लॉक में ही समझते हैं, उधर ही वो काम करा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में जो केंद्रीय निधि या ये उत्तर प्रदेश निधि की जो सड़कें बनती हैं और जो क्षेत्रीय सांसद होने के नाते उनके बोर्ड लगते हैं, वो तो लगते हैं, अन्यथा और उनकी निधि से कोई एक भी कहीं कार्य नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। सांसद जी गांव आए कभी? सांसद जी मेरे हिसाब से तो कभी नहीं आए, पिछले 10 सालों में कभी नहीं आए, और ये और भी बैठे हैं कहीं हमारे ब्लॉक में, बनावे से इधर का ब्लॉक जो है हमारा, पर तो मैं कहता नहीं हमारे क्षेत्र में कहीं, मुझे तो लगता नहीं कि कोई रास्ता उन्होंने अपनी निधि से, जो सांसद निधि आती है वो बनवाते हो केंद्रीय निधि का। हाँ बनावा धार रोड पर जरूर बोर्ड लग रहा, वो तो उसके निधि से कोई मतलब नहीं, वो तो बनती रहती है और आते रहते हैं काम और जाते रहते हैं। आप सांसद निधि की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा कॉलेज या अस्पताल जो पिछले समय, वो तो केवल छपरौली ब्लॉक में और बड़ौत ब्लॉक में बनवावे, वहीं नदी के उस पार एक कृष्णा नदी है जो इधर से जाकर बनावा लक्षा ग्रह पर मिलती है, वो इधर तो आते ही नहीं, ना सहेंदर लमाड़ावे थे ना वो आते, वो तो उधर ही रहते हैं, उधर तो उनका लोकसभा क्षेत्र इधर नहीं है। मेरा नाम है राजीव। राजीव जी क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर, ये बागपत की सीट है और इस सीट पर क्या लगता है इस बार क्या समीकरण बदलेंगे, या जैसे बीजेपी से सांसद सतपाल जी है अभी, तो क्या लग रहा है आपको? भाई हमें तो भाई ऐसा लग रहा, अब जैसा अभी अभी हमारे यहाँ क्या सारे उसमें 3 रुपये यूनिट बिजली का था, अब 6.5 रुपये यूनिट कर दिया। जो गरीब पब्लिक है बस सबसे ज़्यादा बोझ तो उसी पर पड़ेगा, गरीब पब्लिक पर पड़ेगा, इसे तो सभी जला रहे। चलो छोड़ दो भाई, एक ये आदमी गरीब आदमी है कि मैं अमीर हूँ, मैं लोकदल की वोट दे रहा, गरीब आदमी बीजेपी की वोट दे रहा, समझो आते लोड तो उस पर भी पड़ा, उस 3-3.5 रुपये का। बिजली का इतना भ्रष्टाचार, बिजली में इतना होगा, इतना उत्तर प्रदेश में इससे ज़्यादा कहीं भ्रष्टाचार नहीं जितना बिजली में भ्रष्टाचार यहाँ है। लेकिन किसानों के लिए तो अभी बिजली फ्री का वादा हुआ पिछले चुनाव में भी, इस बार तो क्या इस तरह की चीज़ें हो पाई है धरातल पर या नहीं? योगी जी ने बिजली का जो फ्री का वो करा था, अब भाई फ्री बिजली दी जाएगी किसानों को, 12 बार की खेत की बिजली, तो उन्होंने बिजली फ्री की जगह हाफ किया, फिर उन्होंने एक मतलब आपसे 6 महीने पहले ये कर दिया भाई बिजली फ्री होगी बिल्कुल किसानों की, अब तक बिल दे रहे किसान, कोई फ्री नहीं हुई। चलिए किसान की बात कर रहे हैं, पिछले 9 सालों में मोदी जी कोई काम कर पाए ऐसा जो किसान को राहत पहुंची? भाई किसान को मेरे हिसाब से तो कोई राहत पहुंची नहीं, और भाई मोदी जी के दिल में और उनके दिमाग में हो तेने पूछा दी भाई, उन्होंने पूछा दी हो तो उनकी बात एक अलग है। लेकिन ये कह रहे हैं कि किसान सम्मान निधि देकर किसान का हम मतलब किसान की सेवा कर रहे हैं, किसान को लाभ पहुंचा रहे हैं, क्या उससे काम चल पाता है किसान का 2000 रुपये में? देखो जी एक चीज़ बता, जो है 6000 रुपये हमें दे रहे, 6000 रुपये हमारे पास आ रही ये साल भर में, एक साल में उसकी 3 महीने में एक खड़ की बोरी नहीं आने की 2000 रुपये में एक डंगर की, ये 6000 रुपये बंद करते हैं, ये गलत दे रहे किसान को, ये चाहिए ही नहीं हमें, ये और काम करे, बिजली को कम करने का काम करे, गरीब आदमी की सेवा करने का काम करे। गमों में बाजे बाजे 30-30 हज़ार का बिल आ रहा,
बल्ला फेंक बड़े 6 रुपये यूनिट, बताओ वो कहाँ से पड़ता गरीब आदमी, मजदूरी इसकी लगती नहीं बेचारे की। यूपी में सबसे महंगी बिजली और बाकी राज्यों के मुकाबले। हाँ, सबसे महंगी यूपी में, हरियाणा में भी बीजेपी। भाई तो सरकार को पता सरकार क्या करना चाह रही उत्तर प्रदेश में, क्या तो ये धनी राज्य है बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ से ज़्यादा वो लिया जा रहा। क्या नाम बाबूजी? विनोद विश्वकर्मा। विनोद जी, क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चेहरा आपको नजर आता है केंद्र सरकार को? सरकार केंद्र के लिए, देखो केंद्र की सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन धरातल पर कम दिखाई दे रहा है। जो उनकी योजनाएं हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो इन आवारा पशुओं का है। आए दिन दुर्घटना हो उनसे, रोड पर बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे, जो जवान जवान लड़के हैं जो भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं वे सब एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है, भारतीय जनता पार्टी को पीछे हटाने का भी ये बहुत बड़ा फैक्ट है। लेकिन गाय के नाम पर ही कहीं ना कहीं 19 में या 17 में बहुत सारी बातें हुई थी कि गाय संरक्षण की भी बात हुई थी, तो बीजेपी के जो हाली सांसद है वो काउ सेंचुरी की भी बात कर रहे हैं। इस समस्या का हल निकल पाएगा? मुझे तो लगता नहीं कि इस समस्या का हल निकले। आवारा पशु की, आवारा पशु होगी, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। एक सबसे बड़ी समस्या ग्रामीणों के लिए, गरीबों के लिए, उसमें सभी आते हैं, किसान भी मजदूर भी, मजदूर यहाँ किसान भी हैं, हर जाति से हैं। सबसे बड़ी समस्या बिजली की है, बिजली आती तो है लेकिन बिजली के जो रेट हैं वो इतने हाई हैं कि बहुत ज़्यादा हाई हैं। फिर जब भी गवर्नमेंट करती है घोषणा कि 1-1 लाख रुपए बिजली के बिल माफ़ करेंगे, उनमें केवल जो किसान हैं, किसानों तक के ही वो माफ़ होते हैं। जो गरीब जनता है जिनसे जीत करके लोग जाते हैं, अगर 70% किसान है तो 30% गरीब जनता भी तो है ना, जो किसानों से अलग है, जिनके पास में भूमि नहीं है, वे लोग अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसी खास सुविधा नहीं है जो धरातल पर हो। वही अब भी वही मसला चल रहा है, जो जिसकी लाठी उसकी सरकार। महंगाई को कैसे देखते हैं पिछले 9-10 सालों में? मानता हूँ महंगाई है, लेकिन महंगाई से इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर जनता को सुविधा मिले उस प्रकार की तो महंगाई से इतना फर्क नहीं पड़ता। आमदनी बढ़ाओ, आमदनी बढ़ेगी, महंगाई होगी तो आमदनी बढ़ेगी, देश के आर्थिक हालात भी सुधरेंगे। हम ये नहीं, देश के लिए सभी, और ये तो कृषि प्रधान देश है हमारा, यहाँ तो राजनीति के जितने दिल्ली के रास्ते हैं सब खेत खलियानों से ही तो जाते हैं, चौधरी चरण सिंह जी का भी यही नारा था। तो ऐसी राजनीति हमें कहीं नज़र नहीं आती जिससे समाज का हित सदता हो। लोकसभा चुनाव है, आप नौजवान भी है, आपको लगता है 9-10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ काम किया हो या इस तरह से नौजवान? बस काम तो भाई यहाँ सबको पता, जनता को भी काम तो कुछ नहीं करा, और देश को पीछे धकेलने पर चल रहा है तो काम, या नहीं? राष्ट्रीय लोकदल है, 22 साल रहा हो, जब ही चला गया जाट तो इसे चला सका, और तो कुछ नहीं चल रहा। किसानों की बात हो रही थी अभी, भाई साहब भी किसानों की बात कर रहे थे, किसानों के लिए काम हुए इस तरह के? भाई किसानों के लिए कुछ नहीं, बताओ 15 साल हो लिए, 25 रुपये भी नहीं बढ़ाया आज लोग का, इन कह रहे 25 रुपये बढ़ेंगे, अभी पता नहीं बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। अरे कम से कम 500 रुपये कुंटल होना चाहिए गन्ना जब चलेगी भाई काम। बेरोजगारी की अगर बात करें, बेरोजगारी तो भाई बेरोजगारी में तो देख लो, तुम कोई युवा आज तक मेरे हिसाब से यहाँ तो भर्ती कोई नहीं रहा, अकबर कहला मिठाई आई, वह भर्ती हुआ लमडा, किसी के घर कोई मिठाई नहीं जा रही आज के टाइम पर, या नहीं? तो नौकरियाँ कुछ गांव से निकले लड़के बच्चे कुछ निकले, नौकरी भी नुमानो तुम 4 साल ही कर दी, कौन जा रहा, कौन वहाँ जाकर गोली खाओगा और खमा खा? अग्निवीर जो है, अग्निवीर क्या सारी उसमें वही कर दिया उन्होंने तो सब में, 4 साल ही कर दिया सब इसमें। हम बागपत लोकसभा सीट पर थे जहाँ पर हमने बढ़ल गांव में लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि लोकसभा बागपत सीट पर लोगों का क्या कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 के। तो लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो लोकसभा सांसद जी है बागपत से सतपाल जी, गांव में या लोगों से संपर्क में बहुत ही कम रहे हैं और बदलाव की बात लोग कर रहे हैं। जुड़े रहे शीशे से, उत्तर प्रदेश तक आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।